माय लॉर्ड, कहने को तो कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कहावत है पर ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर कानून के हाथ लंबे होते तो पाताल में छुपे हुए अपराधी को दबोच कर बाहर निकाल के ले आती हमारी कानून व्यवस्था, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि तो कहावत है। और फिर कहते हैं कि कानून अंधा होता है, है कानून अंधा होता है, माय लॉर्ड कानून अंधा है, ये आपके बगल में जो न्याय की देवी खड़ी है उनकी आंखों में काली पट्टी है, ये कहकर इस काली पट्टी को सही साबित किया जाता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो आंखों पे पट्टी बांध के न्याय किया जा रहा है, जबकि हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पीढ़ियां खिस जाती हैं, न्याय नहीं मिलता, क्योंकि हमें 100 दोषियों को बचाना है ताकि एक निर्दोष को सजा न मिले। तो ठीक है, ये भी एक कहावत है, ये भी एक कहावत है इस समाज में कानून और न्याय के बारे में। उसके बाद भी, इतना भोगने के बाद भी अगर दो लोगों के बीच में तकरार हो जाता है तो लोग कहते हैं माय लॉर्ड कि मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। अदालत में क्या देखेंगे? अदालत में देखने के लिए आते हैं कि अदालत में इंसाफ मिलेगा, लेकिन अदालत में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आपसे 2 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ आपका कारकुन 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की रिश्वत ले लेता है और आपको पता भी नहीं चलता, और अगर आपको पता भी चलता है तो आपके कानों पे जू तक नहीं रेंगती कि इसे रोका जाए, क्योंकि आप सोचते हो ये तो 10 रुपए का घोटाला है, क्योंकि आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार कर लेती है कि इस देश में अरबों रुपए के घोटाला हो रहे हैं, तो हो एक कारकुन अगर 10 रुपए या 100 रुपए की रिश्वत ले ले तो क्या बुरा है, आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती, लेकिन वही भ्रष्टाचार का बीज है जो आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष बनता है, और उस विशाल वट वृक्ष में ऐसे बहुत सारी पौधे निकलती हैं जो अपनी पीढ़ियों 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 दर पीढ़ियों न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए अकूत खजाना गाड़ के जाती है। देश गरीब, समाज गरीब, लोग गरीब, और ये अदालतें दिन रात चल रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई आखिरी इंसाफ नहीं हुआ कि बस अब इसके बाद ना कोई अपराध होगा, न इसके बाद कोई अदालत बैठेगी, और न इसके बाद कोई पीड़ित होगा। माय लॉर्ड, शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप ही न्याय के झंडा बरदार हैं।